अयोध्यारे आरंभ होइछि भव्य दीपोत्सवर कार्यक्रम। निश्चित भावरे ए दिन समस्तंकर मने रहिबो, कारण किछि नुआ देखिबा पई जाउछंती अयोध्यावासी। अपन चिंता करंतु, दीपोत्सव पई उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्यारे पहुंची सारिछंती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव समारोह रे भगवान राम, लक्ष्मण एवं देवी सीतांको चरित्र रे अभिनय करथुवा कलाकारको टीका लगाइबे। उत्साह और उमंग का यह पर्व हम सबके जीवन में इसी प्रकार के उत्साह और उमंग को लेकर के सदैव आता रहे। आज उसकी एक झलक लेकर के अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के साथ साथ तकनीक और विकास की, भौतिक विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने की दिशा से आज उत्तर प्रदेश सरकार आप सबके सामने आई है, आपके पास आई है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें दीपावली की हृदय से मंगल कामना उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर हमारे साथ पास जहां भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आए हैं, वहीं हमारे बीच में आए हैं एम्बेसडर ऑफ वियतनाम ऑनरेबल फाम सान चाओ, हाई कमिश्नर ऑफ केन्या ऑनरेबल विली बेट, हाई कमिश्नर ऑफ त्रिनिदाद और टेबेको डॉक्टर रोजर गोपाल। मैं इन सब का आप सब की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपने इन अतिथियों का हृदय से स्वागत करिए। जय श्री राम की ध्वनि के साथ इनका स्वागत करिए। हमारे सभी अतिथिगण भारतीय संस्कृति और प्रधानमंत्री मोदी जी के दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए किए गए योगदान के परिणाम स्वरूप आज अयोध्या की इस दीपावली के साथ जुड़ रहे हैं। देश के भी कोने कोने से तमाम अतिथि आज इस अवसर पर आए हैं। कुछ लोगों से प्रत्यक्ष मेरी मुलाकात हो पाई, कुछ लोगों से नहीं हो पाई। मैं उन सब का भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब को भी दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। और मैं प्रभु राम से यही प्रार्थना करता हूं कि दीपावली का यह उमंग और उत्साह आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इसी प्रकार का बना रहे, इस कामना के साथ याद रखना प्रभु राम की मर्यादा को और प्रभु राम के द्वारा सामाजिक एकता समरसता का जो संदेश हम सबको दिया गया है उसको सदैव अपने जीवन का हिस्सा में बनाना होगा। समाज को बांटने वाले तत्वों के साथ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता अखंडता की गारंटी वाली व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाने के लिए हम सबको प्राण प्राण से जुट करके अयोध्या धाम से संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। एक बार फिर से पंचम दीपोत्सव के इस आयोजन के साथ आज हम लोगों ने 9 लाख दीप अकेले राम जी की पेड़ी में और 3 लाख दीप अयोध्या के मठ और मंदिरों में अलग से जगमगाए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इससे भी बड़ी संख्या में दीप जगह जगह जले हैं। हर मठ में, हर मंदिर में, हर घर में आज उत्सव उसी उत्साह के साथ, यहां पर उसी उत्साह के साथ हर एक जगह उस रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, कल दीपावली का मुख्य महोत्सव है और भाइयों बहनों, दीपावली के इस मुख्य महोत्सव के साथ हम लोगों को याद रखना होगा कि कल उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा वंचित, कोई ऐसा दलित, कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके घर में दीपावली का दीप और दीपावली की मिठाई न पहुंचे। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक गण, महापौर गण, जिला पंचायत के अध्यक्ष गण,
ब्लॉक प्रमुख गण, ग्राम प्रधान गण, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य गण, ग्राम प्रधान पंचायत के सदस्य गण, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के कर्मी, एक एक परिवार में जाकर के दीपावली के उत्सव को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग तैयार हैं, सभी घरों में दीप जलाएंगे। देश के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वैश्विक महामारी कोरोना दुनिया के अंदर तमाम प्रकार की कहर ढा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर आपकी आस्था के सामने कोरोना भी परास्त हो गया। यह आस्था की विजय है। जब पहले दीपोत्सव में आए थे तब भी हमने कहा था, धैर्य रखिए, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। तब भी हम लोगों ने कहा था। और भाइयों बहनों, अंततः आपके संकल्प की विजय हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम का 5 अगस्त 2020 को शुभारंभ भी कर दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में जो अद्भुत सेवा हुई है आप सबने देखा है। हर एक गरीब को रोजगार की सुविधा, हर एक गरीब को अन्न की योजना, हर एक नागरिक को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, और कोरोना कवच के रूप में एक सुरक्षा कवच प्रत्येक नागरिक को दिया गया था। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, 100 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में वैक्सीन लग गया है। उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लग गया है। और भाइयों बहनों, 2020 में कोरोना कालखंड में लगातार 7 महीने तक और 2021 में लगातार 8 महीने तक फ्री में राशन देने का कार्य 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। लेकिन अभी कोरोना नियंत्रण में है, समाप्त नहीं हुआ है। सावधानी और सतर्कता रखनी है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग दिसंबर से लेकर के होली तक 4 महीने तक उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था, उनके साथ दाल, उसके साथ तेल और उसके साथ राम रस यानी नमक भी, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो खाद्य तेल और 1 किलो नमक भी हर एक घर तक पहुंचाएंगे। अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी भी हर परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। यह एक संकल्प को भगवान राम की इस पावन धरती पर राम राज्य के उदाहरण को चरितार्थ करने के लिए राज्य सरकार इसको दिसंबर से तत्काल लागू कर रही है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको दीपोत्सव की ढेर सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।